तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब कि किसी और डेटाबेस या एक्सेल को एक्सेल से कैसे लिंक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक्सेल की फाइल है और उस एक्सेल को फाइल को मैं दूसरे एक्सेल की फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ। जैसे डेटा पिवट की बात कर लेते हैं, तो लिंक करने के लिए हमने आपको दो तरीके अभी तक सिखाए थे। पहला तरीका था कि आप जो है इक्वल प्रेस कर लें, जैसे मान लीजिए डेटा है हमारा, मुझे इसी को लिंक करना है, एक तरीका तो मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे और जिससे लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें अगर आगे ड्रैग करते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको यहां से सबसे पहले डॉलर साइन हटाना पड़ेगा, फिर इसको आगे पीछे आपको ड्रैग कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बहुत बड़ा फाइल है तो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा ये, और जैसे आपके डेटा अगर घटता है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और बढ़ता है तो यहाँ पे आपको नीचे ड्रैग करने पड़ेंगे। ये दिक्कत है। अब दूसरी चीज है कि आपको कॉपी पेस्ट ड्रैग करने में दिक्कत होती है, कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो सेम वही चीज होती है, पेस्ट एज ए लिंक अगर करते हैं तो सेम चीज वही होती है। अब हम बात करते हैं कुछ और तरीके की, ऐसा तरीका जिसमें हम इजीली उसको इंपोर्ट कर लें और मेरे एक्सेल फाइल से वो लिंक भी हो। जैसे अगर फाइल वन में चेंज हो, सोर्स पर चेंज हो, तो हमारा डेस्टिनेशन अपने आप चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स के मेरियम। जैसे हम डेटा मेनू बार में जाते हैं तो यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा आता है, तो इसमें मैं गेट डेटा पे जाता हूँ, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। ऐसे से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फाइल टाइप्स हैं, बट फिलहाल अभी हम एक्सेल से एक्सेल को लिंक कर रहे हैं। तो फ्रॉम फाइल में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे आपको लोकेशन बताना है कि किसका डेटा लेना है। मैंने बोला डेटा बी जो है इसको लेना है, एंड अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, ये सीट्स पूछेगा हमसे, क्योंकि इसमें जितने भी सीट्स हैं सारे सीट्स आपको दिखा रहा है कि किस सीट का डेटा आपको लेना है, या टेबल है तो टेबल को भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको किस टेबल का डेटा चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर मैंने लोड कर दिया तो लोड करते ही पूरा का पूरा डेटा जैसा है वैसा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म भी था, मतलब चेंजिंग करना। मान लीजिए कि मुझे इस डेटा में कुछ चेंजिंग करना है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये दो कॉलम जो है मुझे नहीं चाहिए, ये दो कॉलम नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? तो जैसे ट्रांसफॉर्म, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो वो आपका पावर क्यूरी में चला जाता है, या फिर राइट क्लिक करके आप यहीं पे प्रॉपर्टीज में आए, प्रॉपर्टीज में माफ कीजिएगा, एडिट क्यूरी पे आइए, एडिट पे ये आपका पावर क्यूरी खोल देगा। ध्यान रखिएगा ये 2013, 16 और 19 में ही है, उससे लोअर वर्जन में चीजें नहीं है। पावर क्यूरी आ गया, तो हमने बोला कि दो कॉलम नहीं चाहिए, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे आप लोग डरना नहीं है कि मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूं, तो क्या मेरा ओरिजिनल फाइल से भी गायब हो जाएगा? जी नहीं, ये आपका ओरिजिनल फाइल खुला ही नहीं है, ये जस्ट कॉपीड है। अनलोड एंड क्लोज कर देता हूं। इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन भी हो सकता है जो कि हम आगे क्लासेस में समझाएंगे। अब इसमें जैसे ही हमारा ओरिजिनल डेटा अपडेट होगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ब खुद रिफ्रेश ना करूं, तो राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, यहाँ पे आपका रिफ्रेश विंडो ओपन फाइल, या बहुत
बहुत बहुत डेटा हमारा गूगल ड्राइव और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होता है, जो कि हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफ्रेश होते रहता है या डेटा अपडेट होते रहता है, ये चीज हम यहाँ कर सकते हैं। फिर आती है डेफिनेशंस में, यहाँ पे आपको दिख जाता है कि क्या प्रोवाइडर है, एसक्यूएल क्वेरी लगी हुई है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन एमएस क्यूरी में हम चेंजिंग करेंगे जो कि हम आगे क्लासेस में आपको बताएंगे। तो ये समझ गया आपने एक्सेल टू एक्सेल को कैसे लिंक करेंगे। हेलो, सर ये फाइल ऑटो अपडेट रहेगा, जैसे हम अगर दूसरी फाइल जो जी मास्टर फाइल है वो उसको अपडेट करेंगे हाँ तो ऑटो अपडेट रहेगा। जी हाँ जरूर। और सर इसका अगर लोकेशन जो मेन बेसिक फाइल है उसका लोकेशन चेंज भी होता रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, राइट? जी नहीं, लोकेशन चेंज होगा तो आपको प्रॉपर्टी में जाकर इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। लोकेशन चेंज कर देंगे तो हाँ, डेटा एक बार जो दिख रहा है वो दिखेगा, लोकेशन चेंज होने पे वो अपडेट नहीं होगा। जैसे कि आपने एक्सटर्नल पिवट टेबल किया था ना, सेम चीज यहाँ पर है। ओके, ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक फाइल में डेटा मेरे पास तो है लेकिन मुझे उस फाइल में दो तीन डेटा है, तो क्या मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ? तो मर्ज में दो चीजें हैं, इसको समझ लीजिए पहले आप। जैसे कि दो तरह का डेटा है, मान लीजिए मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे हमारा वन है, डेटा वन है, और यहाँ पे मान लीजिए डेटा टू है हमारे पास। इसमें क्या है हमारा कि यहाँ पे मैं एस आई डी में छोटा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, डेट नेम सिटी पीआईडी और यहाँ पे क्वांटिटी। छोटा सा डेटा हमने बनाया हुआ है, मैं बना देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल पे दोनों डेटा हो, एक ही सीट पे, अलग अलग सीट भी हो सकते हैं। और डेटा वन में हमारे पास यहाँ पीआईडी का नेम एंड एमआरपी। मैं यहां इसके प्राइजेस लिख देता हूं। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं, डॉक्यूमेंट में ही मैंने सेव कर दिया ईएक्स डेटा, दिखाई रहूंगा। अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं। अब मुझे इस फाइल को, जो फाइल है हमारा, वो फाइल का डेटा चाहिए हमें, इस पे लिंक करना है हमें मान। तो हम यहाँ डेटा मेनू बार में आएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लोकेशन में आते हैं, अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ऐड इंपोर्ट। अब जैसे कि मेरे पास डेटा वन है और डेटा टू है, अब देखेंगे कि डेटा टू में मेरा पास सिर्फ पीआईडी है और क्वांटिटी है, मतलब कि प्रोडक्ट का कोड सिर्फ है, उसकी उसकी एमआरपी नहीं है, प्रोडक्ट का नेम नहीं है, प्रोडक्ट डिटेल्स आपका डेटा वन में है। हम चाहते हैं कि जैसे हम जैसे जनरली वी लुकअप लगाते हैं ना, कि हाँ वी लुकअप लगाते हैं और पीआईडी के अकॉर्डिंग में नेम और सिटी लेके आ जाते हैं, ये काम मैं एक्सेल फाइल पे नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहीं पे हो जाए। है
तो क्या करना है, हमें पहले अभी एक बार हम एक ही ले सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक करके दोनों शीट को क्लिक कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोड नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे लोड टू। क्या करेंगे? लोड टू। लोड टू इसलिए करेंगे कि मुझे यहाँ डेटा का डेटा कनेक्शन करना है, हमें डेटा डाउनलोड नहीं करना है, हमने यहाँ पे बोल दिया ओनली क्रिएट कनेक्शन, राइट, एंड ओके कर दिया। अब बोलेंगे सर कनेक्शन क्रिएट कर दिया, डेटा तो आया नहीं, डेटा ही लाना है। डेटा भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, बस ये वेलिड लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। उसके बाद हम डेटा मेनू बार में आएंगे, डेटा मेनू बार में आने के बाद आपको एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पहले से बना हुआ है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, जरूरी नहीं है मैंने डिलीट कर दिया ऐसी कंफ्यूजन ना हो, मेरे पास डेटा वन एंड डेटा टू है, ओके। तो इसमें देखिए, यहाँ डेटा वन में आता हूँ, इसमें देखिए हमारे सामने दिख रहा है मर्ज, राइट क्लिक करते दिखा आपको मर्ज, हमने मर्ज पे क्लिक कर दिया। मर्ज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरे पास यहाँ डेटा टू है, और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी डेटा हमारा डेटा टू है, सेकेंडरी डेटा में हमने डेटा वन को ले लिया। अब मैं इसकी पीआईडी को सिलेक्ट किया और इसकी पीआईडी को सिलेक्ट किया, मतलब बताने के लिए कि ये दोनों आपस में रिलेट है, और ज्वाइन काइंड क्या है, लेफ्ट आउट, मतलब कि आप यहाँ पे लिखा ऑल फर्स्ट एंड मैचिंग सेकेंड, दिख रहा है सर आपको, मतलब डेटा टू के तो सब कुछ आएगा और डेटा वन का वही आएगा जो डेटा टू में मैच कर रहा है, क्लियर है। एंड ओके पे हमने क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स जो है दिख रहा होगा। अब यहाँ पे टेबल आ गया, डी वन का टेबल आ गया, तो यहाँ इस पे क्लिक करके आपको बताना होगा कि इसमें से कौन कौन डेटा हमें चाहिए, हमें तो पीआईडी नहीं चाहिए क्योंकि पीआईडी तो ऑलरेडी इसमें है, मुझे इसका नेम एंड एमआरपी चाहिए, हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए नेम एंड एमआरपी आ गया, तो आप इसको अपने हिसाब से मूव भी करना चाहते हो, तो मैंने उसको उठा के नेम के बगल में रख दिया, क्वांटिटी एमआरपी। अब मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ पिवट में ही, कि क्वांटिटी और एमआरपी को मल्टीप्लाई होके हमें एक अमाउंट निकल जाए, जैसे कि हम पिवट टेबल में करते थे, तो यहाँ भी अभी कर सकते, अभी जो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम बैक पावर क्वेरी की बैकएंड में कर रहे हैं, हमारा जो ओरिजिनल फाइल है एक्सेल डेटा उसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम पे आता हूं मैं, और कस्टम कॉलम में यहां अमाउंट हेडिंग दे देता हूं, जैसे हमने आपको पिवट टेबल में कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन यहां करना है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कोई एरर नहीं दिखना चाहिए, एंड हमने इसको ओके कर दिया। देखिए यहां पे अमाउंट आ गया। इसी तरह से आप जो है बाकी जो फॉर्मूलेज है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। एंड द लास्ट होम पे आएंगे, लोड एंड क्लोज। अब इसमें आपको पूछेगा कि आपको डेटा किस फॉर्म, डेटा फॉर्म में आपका डेटा आ गया। लोड टू अगर करते हैं तो आप पिवट टेबल के फॉर्म में चाहिए या नॉर्मल फॉर्म में चाहिए वो आप लगा सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी सर। इसमें स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं, नेम है, सिटी है, और यहाँ पे डी वन मतलब कि नेम है, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपके स्लाइसर्स भी वर्क करेंगे, दोनों डेटा टेबल के वर्क करेंगे। अब दो डेटा था, अगर दो अलग अलग फाइल होते तो भी आप इसका यूज कर सकते थे, बस यही होता है कि दो अलग अलग फाइल होते तो आपको दो बार कनेक्शन क्रिएट करना होता है, हमने एक बार कर लिया था ना, आप कैसे दो बार कनेक्शन क्रिएट करना। इसमें कोई डाउट आपको? हेलो, नहीं सर, बस वो बता दीजिए दो बार कनेक्शन कैसे क्रिएट करना था। जैसे कि जैसे दो अलग अलग फाइल होती तो आप क्या करते, डेटा मेनू में जाते, गेट फॉर्म डेटा फाइल वर्कबुक, एक बार पहले फाइल को सिलेक्ट करते और क्रिएट कर लोड टू में जाके क्रिएट कनेक्शन करते। जी।
हमने इस पहले फाइल को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ लोड टू पे आ गए और हम सिर्फ क्रिएट कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है सर जी। फिर इसके बाद फिर दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा सेम काम करते हैं और फिर कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन करते हैं। समझे, फिर फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सेम चीज करते, उसके बाद किसी एक पे राइट क्लिक करके मर्ज कर देते। समझ में आ गया सर? इसमें जो हमने जो मास्टर फाइल रहेगी, अपडेशन हमारा उसी में रहेगा, मास्टर फाइल में रहेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये एक तरीके से टॉप शीट हो गया आपका, इसमें मतलब जो भी डिटेल समझ जी हाँ। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी मास्टर फाइल होती है बहुत बड़ी होती है और उसमें से कुछ, अभी से इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि ये चीज तो कर लिया, पर प्रॉब्लम है कि आपके मास्टर फाइल में बहुत बड़ा डेटा है, जब उस डेटा का आप ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, राइट? वो डेटा जो है पैन इंडिया का है, बट आपको पैन इंडिया से मतलब नहीं है, आपको डेटा जो है मान लीजिए जो आपकी सिटी दिल्ली है या मान लीजिए जयपुर है, जो सिटी है आप उसी सिटी का डेटा पे काम करते हैं। बात समझे कि नहीं सर? कि मैं दिल्ली पे काम करता हूँ तो दिल्ली का डेटा ही चाहिए, तो मुझे उस मास्टर फाइल से ओवरऑल डेटा नहीं, सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए। मतलब मैं डेटा वहां से इंपोर्ट करके फिल्टर करके डिलीट करना नहीं चाहता हूँ, मैं फिल्टर डेटा को ही यहाँ इंपोर्ट करना चाहता। समझ गए प्रॉब्लम? तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, जहां पे आपने कैलकुलेशन किया था, याद है जहां आपने कैलकुलेशन किया था उसी में जाइए और सिटी में या जिस फील्ड में है आप फिल्टर लगा दीजिए। बैकएंड में हमने यहाँ पे दिल्ली फिल्टर लगा दिया एंड ओके कर दिया, या दिल्ली डेटा शो कर रहा है, लोड एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, अब मेरे पास जो है दिल्ली का ही डेटा है। समझ गए? जी सर। अभी हमने जैसे उसमें हमें एक बेसिक फाइल है हमारी, दूसरी फाइल है जहाँ पे PIR को हमने मैनेज किया था, वहाँ पे डबल दो फील्ड पे लगा सकते हैं सर हम कनेक्शन, लाइक फर्स्ट PID और सेकंड CID SID? नहीं, ओनली वन। ओके, एक डेटा में एक ही यूनिक आईडी होता है ना? एक्चुअली एक साथ तीन डेटा है तो तीन डेटा भी यूज करेंगे इसको, एक बार आपने एमसे ट्राई कीजिएगा तब समझना है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आज आप ट्राई कर लीजिए, फिर कल परसों डिटेल में जाए। इसको बोलते हैं पावर क्वेरी। अब एक क्यूरी, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। तो जी मेरे पास एक और डेटा है, डेटा वन एंड डेटा टू, इस बार मैं थ्री कर देता हूँ, थ्री डेटा है मेरे पास, राइट? अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये जो है यहाँ पे हमारा नेम और टेन वाइज डेटा है, मतलब मुझे डेटा तीन मेरे तीन डिफरेंट ऑफिस से आया है। डेटा जो है तीन डिफरेंट तो कॉपी किया, यहां पेस्ट करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं, तो तीन डिफरेंट ऑफिस का डेटा है मेरे पास। ये तीन डिफरेंट फाइल में भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं फिलहाल एक सीट पे रख दिया ताकि फाइल बचा सकूं मैं, और यहां पे मैं KP डेटा के नाम से सेव कर देता हूं, अपेंड डेटा माय डॉक्यूमेंट। मुझे जो ये डेटा चाहिए इस सीट पे, तो मैं इस बार क्या करना चाहता हूं कि मेरा डेटा जो है एक के नीचे कॉपी पेस्ट, क्योंकि मेरा डेटा अब रिलेशन नहीं है, मतलब मुझे दूसरे फाइल से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लुकअप नहीं करनी,
मुझे पूरी डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं एक्सेल टू एक्सेल में। तो यहां हम फ्रॉम फाइल पे आते हैं, तो यहां पे हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा अभी क्या है कि एक ही फाइल में तीन शीट से अगर तीन अलग अलग फाइल हुआ तो ये आपको तीन अलग अलग कनेक्शंस करने पड़ेंगे। तीनों को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ लोड मत कीजिए वरना तीनों डेटा आ जाएगा। हम यहाँ लोड टू करना है। लोड टू में हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा तो हम अपेंड क्यूरी के जरिए लाएंगे ना, तीनों को मर्ज करके तीन अलग अलग डेटा ला देंगे तो फिर चार डेटा शीट हो जाएगी ना सर। यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस एंड ओके कर दिया। अब कनेक्शंस क्रिएट हो रहा है, दो में रुक जाएगी, हो गया 32 रो आ गया। अब मैं किसी एक पे जाऊंगा और लिखूंगा अपेंड की हुई। अपेंड क्यूरी यहाँ पे दिख रहा है टू टेबल्स, मतलब कि दो टेबल के बीच में है या मोर थ्री एंड मोर टेबल थ्री के बीच में। तो प्राइमरी टेबल हमारा कौन सा है, डी वन। टेबल टू हमने इसके नीचे ऐड कर दिया, टेबल थ्री हमने इसके नीचे ऐड कर दिया। लेकिन इस चीज का ध्यान रखे तीनों में सेम कॉलम होना चाहिए एंड ओके। आ गया सर यहां पे तीनों डेटा। अब यहां पे लोड एंड क्लोज कर लीजिए। पिवट चाहिए तो वहां पे आप लोड टू कर लीजिए, वहां पे पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। कंबाइन हो गया। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने ऑफिस में कर सकते हो। ये तो कनेक्शन हमने क्रिएट, आपको जो भी कनेक्शन दिखाए वो कनेक्शन दिखाए एक्सेल टू एक्सेल के बीच में, राइट? इसका यूज हम कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स को एक शीट में कंबाइन कर लेना। लेकिन याद रखिएगा इसका यूज जो है हम तब करते हैं जब हमारा डेटा अपडेट होते रहता है। अगर आपके पास 10-20 फाइलें हैं तो उसमें करना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ उसमें मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमारे पास फॉर्म फोल्डर का पार्ट है जो कि हम कल की क्लासेस में समझाएंगे। तो कल की क्लासेस में हम आपको मर्ज टेक्स्ट के जरिए डेटा लेना और आपको डेटा लेना पीडीएफ के जरिए और डेटा लेना फॉर्म फोल्डर के जरिए हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। और उसके बाद हम फॉर्म वेब से भी डेटा कैसे लेके आएंगे ये हम अगली क्लास में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लासेस की वीडियोज में यूट्यूब पे डाल रहा हूं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। Okay. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.